आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और आज आपने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर कहा है कि एक पॉपुलेशन पॉलिसी आनी चाहिए, जो हर समय बहुत से लोगों ने कहा है कि ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के साधन लिमिटेड हैं और जब तक हमारी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा हम ये साधन हर आदमी के लिए पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये चुनाव से पहले पोलराइजेशन की बात है। Oh, no. इसका आधार सीमित परिवार, खुशहाल परिवार, हर व्यक्ति को संसाधनों का, शासन के संसाधनों का और मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिल सके, इन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का है। फोकस करना उन क्षेत्रों में जहां पर आबादी अभी भी ज्यादा है और लोग जहां पे अभी भी ज्यादा बच्चा पैदा करने की एक प्रवृत्ति है, उनके कारणों को चिन्हित करना, वहां पे अवेयरनेस के विशेष कार्यक्रम चलाना। तीसरा, शासन की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि रिलीजियस डेमोग्राफी पर भी उसका असर ना पड़े। इन सभी बातों को लेकर के एक अभी पॉलिसी बनाई है, ये लागू इसको लॉन्च किया गया है, बाकी चीजें धीरे धीरे करके सामने आएंगी। लेकिन योगी जी, लोगों का कहना है कि आप खास करके मुस्लिम समाज की तरफ ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि कई वक्तव्यों में भाजपा के कई नेताओं ने कहा है, 2015 की एक आपकी भी स्पीच है जिसको उजागर किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी पहले से ये मंशा थी और आप ये मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए पॉलिसी ला रहे हैं, इनको आप क्या जवाब दें? देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति, जाति, मत या मजहब को टारगेट करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। प्रदेश के 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी सुख और समृद्धि के लिए और प्रदेश के संसाधनों का भरपूर उपयोग उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, शासन की ये मंशा है, किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने का नहीं। लेकिन योगी जी, आपकी ड्राफ्ट पॉलिसी में ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कहा गया है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको कुछ वेलफेयर स्कीम्स नहीं मिलेंगी, आप लोकल बॉडी चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे, या आपको अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आगे से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, लोन्स नहीं मिलेंगे। इसमें कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि ये अवेयरनेस से आगे जाती है, ये लोगों के साथ एक जबरदस्ती की जाती है और हमारी डेमोक्रेसी में सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि वो कितने बच्चे पैदा करें। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये एक क्रिटिसिज्म होता है इस पॉलिसी का कि आप जबरदस्ती करना चाहते हैं। पॉलिसी जिन लोगों ने पढ़ी नहीं है वे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे। पॉलिसी आज लॉन्च हो चुकी है, एक बार आप लोग उसको देख लेंगे तो मुझे लगता है सभी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। योगी जी, 2015 में योग साधना यशवीर आश्रम बागरा विलेज में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपने कहा था द कंपैरेटिवली हाई फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम विल बी अ कॉज ऑफ डेंजरस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। इसमें आपने कहा था कि मुस्लिम समाज की संख्या ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इनके यहाँ फर्टिलिटी रेट या बच्चा पैदा करने की दर ज्यादा है। क्या आप इस फैक्ट से आज भी सहमत हैं? देखिए, एक चीज हमें सोचना होगा कि रिलीजियस डेमोग्राफी का
इम्बैलेंस ये हमेशा एक खतरे की घंटी होगी और हर एक तबके को इसके बारे में सोचना होगा। इसको हमें हल्केपन से नहीं लेना होगा। योगी जी, पूर्व लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने ऑब्जेक्शन लिया है इस पॉलिसी के अनाउंसमेंट से और वो कहते हैं कि सबसे पहले आपकी सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए कि आपके कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उनके कितने बच्चे हैं, और उन्होंने आगे बढ़कर ये भी कहा है कि कितने जायज और कितने नाजायज बच्चे हैं ये भी उन्हें बताना चाहिए। इस तरह के जो कॉमेंट्स हैं इनको आप कैसे देखते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये राहुल गांधी जी ने कहा लोनी के सवाल पर, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं, ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। कहने का मतलब ये योगी जी कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन आपके ऊपर, क्योंकि आपकी इमेज इस तरह की है, आप हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते हैं, तो लोग आप पर हमेशा एक निशाना साधे रखते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कम से कम अपने वक्तव्यों में ऑपोजिशन हर वक्त यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है। आप इनको क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जैसे लोगों को? मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी, थोड़ा सा मार दीजिए। मैं वही पूछना चाहता हूं कि पहले लोनी की घटना का पर्दाफाश हो चुका है, वहां पे जय श्री राम या वंदे मातरम जैसे शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं हुआ था, एक ही समुदाय के दो लोगों का विवाद था और उस विवाद को कैसे सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास हुआ था। जब हम बिना सोचे समझे वक्तव्य देते हैं तो हम लोगों की स्थिति या उन लोगों की स्थिति हास्यास्पद होती है, जैसे राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों से एक हास्यास्पद स्थिति में पहुंच जाते हैं, लोग उनको कभी गंभीरता से इसीलिए नहीं लेते हैं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। अरे भैया बड़ा शरारती है बंदा यार तू।